सॉरी स्टार्ट। मैम मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। मैं कानपुर में मैंने ट्रीटमेंट कराया अपना, लेकिन मैंने वो कंसीव नहीं किया। फिर मैं यहाँ झांसी आई तो लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर प्रीति गुप्ता मैम मिली। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि IVF के बारे में, तो मैंने उसको उस साइकिल को कम्प्लीट किया। तो फर्स्ट साइकिल में ही मैंने कंसीव कर लिया और मुझे हेल्दी बेबी गर्ल हुई है। खुश है आप लोग? जी मैम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपका बहुत थैंक करती हूँ कि आपने मुझे माँ बनाया। उससे ज़्यादा थैंक यू तुम लोगों का कि एटलीस्ट मेरे पर ट्रस्ट करा। एंड और आप बोलिए कुछ। मैं हम लोग भी बहुत आपके शुक्रिया करते हैं, ताकि आपके हमें 4 साल से एफर्ट कर रहे थे, इधर उधर ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन भी कोई भी वहाँ पे से रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ आने के बाद तो हमने यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में उसे दिखाया, वहाँ से आज 4 साल के बाद हमें एक बेबी गर्ल मिली। और कुछ कहना है हॉस्पिटल के लिए, स्टाफ के लिए, मेरे लिए? सजेस्ट करना चाहेंगे मैम, जो जैसे जो लोग इधर उधर दिखाते हैं और परेशान रहते हैं, इधर उधर की दवाइयाँ करके अपना पैसा वेस्ट करते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट उन्हें यहाँ पे आके या कहीं पे भी IVF के थ्रू भी एक बार अपना चांस लेना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे मिसबिलीव्स हैं, बहुत सारे टैबूज हैं IVF के संग, जो कि हमें वो करने चाहिए। बिकॉज क्या होता है, ज़्यादातर पेशेंट इतनी एज कर लेते हैं यही सोच के कि IVF नहीं कराना, जबकि ये सिर्फ एक असिस्टेड प्रोसेस है ना। इसमें हम केवल आपके ही एग्स होते हैं, आपके ही स्पर्म्स होते हैं, बस हम लोग असिस्ट करके, असिस्टेड रिप्रोडक्शन नाम है इसका, कि हम असिस्ट करके अच्छे से एम्ब्रियोज बनाते हैं और जो बेस्ट एम्ब्रियोज होते हैं वो आपके अंदर डाल देते हैं, है ना। तो उससे प्रेगनेंसी होने के बहुत सारे चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ रही होती है ना। चीज़ें तो आपकी हैं फिर भी नहीं आ रही है बहुत, तो वो फैक्टर्स ओवरकम हो जाते हैं। तो अगर बाई चांस ज़रूरत है तो कराना चाहिए, देयर इज नो हार्म इन इट। और आजकल तो फिर भी अफोर्डेबल हो गया है, पहले तो बहुत कॉस्टली होता था। और सबसे बड़ी बात है, पहले रिजल्ट्स बहुत ख़राब होते थे, अब तो कंपैरेटिवली अगर आप अच्छे से करो, अच्छे सेंटर पे जाओ तो रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। और कुछ कहना है? मैम स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और ये संख्या जो है ये भी बहुत अच्छी है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट दिया। एक सना दीदी को तो हाँ आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ, वो नहीं है। चलो जल्दी मिलेंगे फिर। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।